वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले 50 एमसीक्यूज जो है वो आपको करवा दिए थे। हमने पास्ट पेपर जो है वो स्टार्ट किए हैं लेक्चर एजुकेशन और हेडमास्टर की तैयारी के सिलसिले में। तो नेक्स्ट 51 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 51 एमसीक्यूज है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज गिवन बाय। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसका आंसर जो कहीं भी एक जैसा नहीं है। थॉमस जेफरसन है कहीं पे फ्रोबल है, तो आप इसको खुद से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो फ्रोबल पढ़ा था, ठीक है। 52 है, रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये इस दफ़ा लेक्चर एजुकेशन के PPSC का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी आया हुआ था। तो इसका है डी ऑप्शन, फाइंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। 53 है, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला इट ड्रॉ कॉन्सेप्ट फ्रॉम कल्चर, ठीक हो गया, ए ऑप्शन ठीक है। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। अच्छा, इसका आंसर कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है उसके नज़दीक प्लानिंग आएगा, ए ऑप्शन। 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वही बात मैंने प्रीवियस वीडियो में कही कि आपने स्टेटमेंट को जो है अच्छे से पढ़ना है, इसमें एक लफ्ज़ भी आपने स्किप कर दिया तो स्टेटमेंट चेंज, तो आंसर गलत हो सकता है। तो अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे ए आएगा, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। 56 है, गोल्स आर बेस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ, ये आ जाएगा कॉन्टेंट, ठीक है। इनके कोई भी जब हमने गोल्स अचीव करने होते हैं तो हम फिर उसी हिसाब से कंटेंट बनाते हैं ताकि हम वो गोल्स अचीव कर सकें। 57 है, करिकुलम विच कवर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड, सी ऑप्शन, इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। इंटीग्रेटेड करिकुलम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इससे जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो कम हो जाती हैं, और ये ज़्यादातर प्राइमरी लेवल पर होता है, ठीक है। 58 है, प्रोजेक्ट रोल प्लेइंग प्रैक्टिकल मेथड और लेबोरेटरी मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डूइंग मेथड। जितने भी प्रैक्टिकल की बात है वो डूइंग मेथड, इनके जो करके दिखाने, देखिए ये जॉन डेवे की टेक्निक है, उसका मेथड है, तो सी ऑप्शन आएगा। 59 है, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन, जी टीचर किस में प्रैक्टिकली जो है वो करके भी दिखाता है और फिर एक्सप्लेन करता है, तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बी है। इसमें टीचर क्या करता है कि पहले परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को, फिर उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चार हैं, लेक्चर मेथड है, इसमें जस्ट टीचर जो है वो बस वही बोलता है और स्टूडेंट जो वो पैसिव होते हैं और वो सुनते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो टीचर होता है वो पहले डेमोन्स्ट्रेट करता है, इनके पहले वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है फिर एक्सप्लेन करता है। डिस्कवरी में क्या होता है कि कोई टॉपिक होता है उसमें थोड़ा सा सिर्फ बच्चों को बताया जाता है, उसके बाद स्टूडेंट जो खुद से डिस्कवर करते हैं सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का। और डिस्कशन मेथड में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तीन चार जो है ग्रुप बना दिए, तीन से चार स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया जाता है और उनको कोई टॉपिक दिया जाता है, वो उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसका 59 का बी ऑप्शन है। 60 है, द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ऑन, इसका ऑप्शन है सी, इंट्रिंसिक। मोटिवेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में ये होता है कि किसी हम रिवार्ड या मतलब हमें फॉर एग्जांपल एक बच्चे को हम टॉफ़ी दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम अच्छा काम करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, तो ये एक्सट्रिंसिक में आ जाएगी। इनके किसी काम को जब हम किसी लालच की बिना पे करेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक होगा, और जब हम अपनी खुशी के लिए करेंगे, अपने प्लेजर के लिए करेंगे, तो वो इंट्रिंसिक है, ठीक है, इनके बगैर लालच के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। 61 है, रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवे थॉट्स आर सीन इन लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, क्योंकि जॉन डेवे जो थे वो लर्निंग बाय डूइंग पे यकीन रखते थे, तो लर्नर सेंटर्ड है। 62 है, विच इज़ नॉट, हु इज़ नॉट करिकुलम प्रैक्टिशनर, तो ये आ जाएगा करिकुलम स्पेशलिस्ट, ठीक है। इनके जो करिकुलम बनाते हैं वो करिकुलम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो ए ऑप्शन जो है वो आएगा यहाँ। 63 है, प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अंडर, ये है सी ऑप्शन, देवबंद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 64 है, सुपरविजन इज करेक्टराइज्ड विद, ये है इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए सुपरविजन जो है वो की जाती है। 65 है, इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डी ऑप्शन। इनके फाइनल अप्रूवल जो होता है स्कूल करिकुलम का, वो किसकी जिम्मेदारी है? फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। 66 है, द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इन। इंस्पेक्शन का, स्कूल के जो इंस्पेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से। 67 है, डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर्स टू, तो अच्छे और बुरे की बात जो है वो एक्सियोलॉजी वाले करते हैं। एपिस्टमोलॉजी में नॉलेज, ऑन्टोलॉजी में रियलिटी, और एक्सियोलॉजी में वैल्यूज होते हैं। इसको फर्दर हम एथिक्स और एस्थेटिक में डिवाइड कर देते हैं। एथिक्स में गुड और बैड, और एस्थेटिक में ब्यूटी से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, और सोशियोलॉजी होता है वो सोसाइटी की जो स्टडी है वो सोशियोलॉजी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी है। 68 हैड यूली ट्रीट द एम्प्लॉयज विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रिप्रेजेंट द थियरी मॉडल, थियरी एक्स। ठीक है, थियरी एक्स में जो है वो ऑटोक्रेटिक लीडर होगा, जो कि मतलब जस्ट वो ऑर्डर देगा, वो सुनेगा नहीं, कंसल्ट नहीं करेगा, मशवरा नहीं लेगा अपने वर्कर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थियोरी एक्स है। 69 है, प्रोफेशन इज एम्प्लॉयड फॉर सर्विस, डी ऑप्शन। 70 है, शाहबुलिल्लाह फिलोसफी वाज बेस्ड ऑन रियलिज्म, बी ऑप्शन। 71 है, ह्यूमन बीइंग्स आर लुक्ड अपॉन इंडिविजुअली लिविंग इन सोसाइटीज थ्रू। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो की वर्ड है ह्यूमन बीइंग्स। जब भी ह्यूमन बीइंग्स की, इंडिविजुअल की, फ्री चॉइस की बात आ जाए तो ऑप्शन लगेगा डी, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक हो गया। 72 है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ लीडर्स पर्सनल ट्रेट्स बिहेवियर एंड फैक्टर इन लीडरशिप सिचुएशन। अच्छा, अब यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेट्स की बात हो रही है, इनके कोई भी जो इंसान है वो अच्छा लीडर बन सकता है अगर उसमें कुछ ट्रेट्स हों, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आएगा। अब वो ट्रेट जो है वो आपकी ऑनेस्टी हो सकती है, आपकी इंटेलिजेंसी हो सकती है, आपकी कोई भी खूबी हो सकती है। ठीक है, तो वो पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी खूबी है तो आप इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 73 है, विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस, तो इसका ऑप्शन है डी, एक्सपेरिमेंट मेथड। ये विलियम वुंट ने जो है लिप्सिंग में, जर्मनी में जो है वो 1879 में पहली लैब बनाई थी, और एक्सपेरिमेंटल जो है साइकोलॉजी उस पर वर्क किया था, और उन्हें फादर कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 74 है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली ड्राइव फ्रॉम नेशनल गोल। ठीक है, यानी कि नेशनल जो गोल होते हैं उन्हीं को देख के, उन्हीं से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ड्राइव करते हैं। 75 है, द सोक्रेटिक मेथड इज नाउन एज डायलैक्टिक मेथड। ठीक है, इनके क्वेश्चन आंसर मेथड जो है। 76 है, एक्विटेंस रोल इज यूज्ड फॉर, ये आएगा सैलरी डिसबर्समेंट। ये पहले ये होता था, अब तो ये होता है कि अकाउंट में पैसे आते हैं, तो पहले ये होता था कि जो सैलरीज थी वो इन कैश वो टीचर्स को दी जाती थी, और उसका जो सारा रिकॉर्ड होता था वो सैलरी डिसबर्समेंट में लिखा जाता था। 77 है, नेशनल करिकुलम इज एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम। इंटेंडेड करिकुलम वो होता है जो कि आप कह सकते हैं जो काबिल कबूल होता है। ठीक है, तो इंटेंडेड करिकुलम इनके जो, जिस पे सारे रजामंद हों जिस करिकुलम पे, उसे इंटेंडेड करिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए आएगा 77 का। 78 है, रोट लर्निंग इज डी मेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ए ऑप्शन। 79 है, विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसीज ऑन द स्क्रीन, तो ये एविएट्स की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन है ए, ओवरहेड प्रोजेक्टर। 80 एमसीयू से स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, डी ऑप्शन ठीक है। 81 है, डिप्टी डीओ सुपरविजन एंड मॉनिटर द स्कूल तहसील लेवल, बी ऑप्शन ठीक है। डिप्टी डीओ जो है वो तहसील लेवल पे सुपरवाइज करते हैं स्कूलों को। 82 है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन इंडिविजुअल्स, बी ऑप्शन। 83 है, करिकुलम इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, वेदर इन द क्लासरूम और नॉट, इज सेट बाई
हिल द ताबा। ये वेरी फेमस और वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है करिकुलम जो डेवलपर हैं जिन्होंने मॉडल लिए करिकुलम डेवलपमेंट में, उनमें हिल द ताबा का मॉडल है, वेरी इम्पॉर्टेंट राल्फ टाइलर का है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपने याद रखने, ये हिल द ताबा की स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 84 है प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। अच्छा, प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, ये साइकोलॉजी में है। ये इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, ये जो इंडिविजुअल होता है, उसकी पर्सनैलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, उसको कोई 7 से 8 कार्ड दिए जाते हैं, उन कार्ड्स पर मुख्तलिफ पिक्स बनी होती हैं, उस इमेजेस बनी होती हैं, उन इमेजेस को वो पेशेंट, वो इंडिविजुअल जो है ऑब्जर्व करता है, और फिर जो ऑब्जर्वर होता है वो उस इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करता है इंटरनली कि वो क्या सोच रहा है, कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, तो सारा कुछ जो है वो उसका यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होता है, और इस तरीके से जो उसका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है। ठीक है, 85 है रियल मेंटोरशिप इन स्कूल क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इसका है बी ऑप्शन प्रोफेशनल। यानी कि जो सही मेंटोरशिप स्कूल्स में होती है वो ज़्यादा कोई प्रोफेशनल बंदा ही करेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। 86 है द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज हेनरी फॉयल, बी ऑप्शन। 87 है आर्टिकल्स परचेज्ड फॉर स्कूल यूज आर एंटर्ड इन, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन, स्टॉक रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आपने मिक्स नहीं करना है, ये स्टॉक रजिस्टर में लिखा जाता है। अच्छा जी, 88 है द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इन पियाजे कॉग्नेटिव, ये आ जाएगा एजिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ए ऑप्शन। 89 है व्हाट वाज बेसिस फॉर क्लेमिंग ए सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बर्सगीर में मुसलमान की अलहदा रियासत बनाने की क्या वजह बनाई गई थी, तो वो थी डी ऑप्शन, रिलीजियस एंड कल्चर। 90 है इन जामिया मिलिया दिल्ली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज प्रिस्क्राइब टू द लैंग्वेज, डी ऑप्शन उर्दू। 91 है द सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ अ स्कूल डिपेंड्स ऑन ए सुइटेबल टाइम टेबल, ठीक है, इनके सक्सेसफुल वर्किंग करने के लिए स्कूल की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है टाइम टेबल, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। 92 है द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज प्रिजाइडेड बाय फजलुर रहमान, जो कि कराची में हुई थी 1947 में, तो फजलुर रहमान जो है उन्होंने प्रिजाइड की थी ये कॉन्फ्रेंस। 93 है अकॉर्डिंग टू क्रू एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू, जी तो इसका ऑप्शन है बी, मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। क्रू एंड क्रो के मुताबिक जो फॉर्मल एजुकेशन का मकसद है वो एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनाना है सोसाइटी का। 94 अल गजाली स्टेटेड दैट इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही स्टार्टेड से स्टडिंग फिलॉसफी, बी ऑप्शन। इनके अल गजाली कहते हैं कि उन्होंने अपनी नॉलेज की जस्तजू में, नॉलेज हासिल करने की कोशिश में उन्होंने फिलॉसफी जो है वो पढ़ना शुरू कर दी। 95 है द पर्पस ऑफ एजुकेशन रेंज फ्राम, इनके एजुकेशन का जो मकसद है वो कब से कब तक होता है, बर्थ टू डेथ, ए ऑप्शन। 96 है साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू, जी साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज, डी ऑप्शन, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। 97 है द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज, ए ऑप्शन, एजुकेशन। 98 है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअल इन नेचुरल इन्वायरमेंट वॉज स्टेटेड बाय, नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचर की बात है रोसो करता है, तो ए ऑप्शन। 90 है एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन डेवी, ठीक है। 100 है इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बी ऑप्शन जो है वो 100 का ठीक है। इसके साथ ही पहला जो पास्ट पेपर है वो हमारा कंप्लीट हुआ, और मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सेकंड पास्ट पेपर जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।